हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना हम सब सोनू। दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम बोईसर टू दीवा जाने वाले हैं बाय ट्रेन। ये जो ट्रेन है बोईसर टू दीवा मेमू ट्रेन है। और दोस्तों, ये ट्रेन एम इंडिकेटर में नहीं है, सो याद रखना है ट्रेन एम इंडिकेटर में दिखाता नहीं है। पर आज 35 की है बोईसर टू दीवा और इसका किराया 25 रुपये है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाती है। सो अभी मैं प्लेटफॉर्म में 1 पे हूँ, ब्लॉक पे बने रहिए। कौन सा स्टेशन किस से आएगा मैं आपको सब जानकारी दूंगा, स्टे ट्यून। दोस्तों, बोईसर से दीवा 14वां स्टेशन है और लगभग 2 घंटे का समय लगता है। कौन सा स्टेशन किस से आएगा आपको मैं सब बताऊंगा, ब्लॉक पे बने रहिए। और दोस्तों, भीड़ काफ़ी है। मैंने सोचा था भीड़ नहीं होगा पर भीड़ बहुत है। और ये जो ट्रेन है ये एम इंडिकेटर पर नहीं है, एम इंडिकेटर पर है लेकिन वो वसई के लिए लिखा है, पर ये दीवा भी जाती है। सो दोस्तों, ट्रेन आ चुकी है। मुझे पता नहीं कहाँ से आई है, शायद दीवा से आई है। बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, बहुत लोग उतरे इससे। अभी मैंने नानी और मम्मी को बिठा दिया है देखो यहाँ पे, और मैं खड़े होकर जाऊँगा क्योंकि मुझे स्टेशन दिखाना है, इसलिए ब्लॉक पे बने रहिए। दोस्तों देखिए, बोईसर दीवा मेमू कुछ इस तरह दिखती है। देखिए बोईसर स्टेशन, अभी 8:30 हो रहा है, 5 मिनट में ट्रेन छूटने वाली है। देखिए दोस्तों ट्रेन कुछ इस तरह, ये लोकल जैसी ट्रेन है, जो लोकल जैसी पूरी ट्रेन है सेम। और दोस्तों, जो दीवा वैसे जाती है वो थोड़ी अलग होती है, सटल ट्रेन। दोस्तों, 8:40 में हमारी ट्रेन शुरू हुई है, सिर्फ 5 मिनट लेट है। दोस्तों, हमारा पहला स्टेशन आ गया है जिसका नाम है उमरोली रोड, जो कि लेफ्ट साइड में है। ट्रेन में भीड़ बहुत है इसलिए मैं आपको विंडो से दिखा रहा हूँ, सो ब्लॉक पे बने रहिए। घर क्यों हो रहा है वीडियो? दोस्तों, यहाँ पे जो स्टॉप है उसमें गैप बहुत ज़्यादा है, लोकल जैसा नहीं हुआ। यहाँ पे एक एक स्टेशन का गैप 15-15 मिनट का है। तो ट्रेन में गर्दी भी इसलिए मैं नीचे बैठा हूँ, ब्लॉक पे बने रहिए। तो अभी सेकेंड स्टॉप आने वाला है, स्टे ट्यून। सो दोस्तों, दूसरा स्टॉप आ गया पालघर, जो कि लेफ्ट साइड में आया है। देखिए जिस और ट्रेन जा रहा है उसके लेफ्ट साइड में प्लेटफॉर्म आया है, तो ब्लॉक पे बने रहिए। अभी तीसरा स्टॉप आने वाला है। दोस्तों, इस रूट से ट्रेन में जाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, पूरा ग्रीनरी है क्योंकि बारिश का सीज़न है। देखिए ब्लॉक पर बने रहिए। हमारा तीसरा स्टेशन आ गया है जिसका नाम है केलवे रोड, जो कि राइट साइड में है। हमारा फोर्थ स्टेशन आ गया है सफाले, जो कि लेफ्ट साइड में है और यहाँ पे थोड़ी भीड़ है। बारह दिवस विचार कर पप्पाई। हमारा पांचवा स्टेशन आ गया है जिसका नाम है वेतरना, ये भी लेफ्ट साइड में है।
दोस्तों हमारा छठवां स्टेशन आ गया है जिसका नाम है विरार, और ये भी लेफ्ट साइड में आए हैं। और दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग उतरे भी और बहुत लोग चढ़े भी। दोस्तों हमारा सातवां स्टेशन आ गया है जिसका नाम है नाला सोपारा, और ये लेफ्ट साइड में आया है। और यहाँ पे भी दोस्तों बहुत भीड़ थी, यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक उतरे और चढ़े क्योंकि अभी रश टाइम है, सुबह का टाइम है इसलिए। हमारा आठवां स्टेशन आ गया है जिसका नाम है वसई रोड, जो कि राइट साइड में आया है। दोस्तों यहाँ पे उतरने वाले बहुत ही कम थे और चढ़ने वाले बहुत ही ज़्यादा, अभी ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। दोस्तों जब वसई से पब्लिक चढ़ी तो उसमें से कुछ ग्रुप लोग भजन कर रहे हैं, मतलब 10-15 लोग हैं, वो लोग भजन कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है और एकदम मतलब इतना भीड़ है फिर भी एकदम अच्छा, एकदम फ्रेश लग रहा है। तो मुझे भी कुछ भजन थोड़े आते तो मैं भी गा रहा था मन में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों मेरा जो भी भजन जो गा रहे हैं उसमें से मेरा कोई ब्लॉग देख रहे हैं तो सच में आप लोगों ने दिल खुश कर दिया है, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग की वजह से पता ही नहीं चला एक घंटा कैसे बीत गया, दिल खुश हो गया। हमारा नवा स्टॉप आ गया है जिसका नाम है जू चंद्र रोड, जो कि लेफ्ट साइड में है। हमारा दसवां स्टेशन आ गया है जिसका नाम है कामन रोड, और वो भी लेफ्ट साइड में है। हमारा 11वां स्टेशन आ गया जिसका नाम है खारबाव, जो कि लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे कुछ पब्लिक उतरी, मतलब यहाँ पे 50-60 लोग उतरे होंगे। Ah.
रथी रुक्मिणी राम राम लखन सीता सहिता हृदय बसो सुर रुक्मिणी राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम मंगल भवन मंगल हारी गव हो सुदशरथ रजत बिहारी दीन दयाल वीरज संभारे हमारा 12वां स्टेशन आ गया जिसका नाम है भिवंडी रोड जो कि राइट साइड में आया और यहाँ पे बहुत सारे लोग उतरे ऑलमोस्ट 40% ट्रेन यहाँ पे खाली हो गई मतलब यहाँ पे बहुत सारे पब्लिक उतरे और जो भजन कर रहे थे वो लोग भी यहाँ पे उतर गए। फिर से मैं बोलूँगा जो भजन कर रहे थे सच में आप लोग ने दिल जीत लिया। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग देख रहे हो सच में आप लोग ने दिल जीत लिया बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों ऑलमोस्ट 95% लोग कोपर में उतर चुके हैं और लास्ट ऑफ दिवा है पर 95% लोग उतर गए। देखिए पूरी ट्रेन खाली हो गई है। दोस्तों हमारा 13वां स्टेशन आ गया जिसका नाम है कोपर और ये लेफ्ट साइड में आया है और दोस्तों यहाँ पे 95% पब्लिक उतरी है। पूरा ट्रेन आधे से ज़्यादा खाली हो गया। दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा लोग इसलिए भी उतरते हैं क्योंकि यहाँ से आपको कोपर से ब्रिज नहीं चढ़ना होता है, ऐसे उतरोगे तो डायरेक्ट आप सेंट्रल लाइन में पहुंच जाओगे इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग उतरते हैं। दोस्तों फाइनली दीवा स्टेशन आ गया है। अभी हम लोग जस्ट उतरे, अभी टाइम हो रहा है 10:50। हमको 2 घंटा 15 मिनट लगा, ट्रेन ऑलमोस्ट 15 मिनट ही लेट थी, ज़्यादा लेट नहीं थी। और दोस्तों अभी ब्लॉग में समाप्त कर रहा है। आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, आपका एक ही कमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है।
सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर।